शरद पूर्णिमा इस वर्ष 2024 में किस दिन पड़ेगी कोजागरी व्रत किस दिन किया जाएगा इस दिन क्या क्या कार्य करने चाहिए शरद पूर्णिमा की कथा कौन सी है यह सारी बातें हम इस वीडियो में जानेंगे वीडियो पूरा देखिएगा चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं आश्विन महीने की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है इस वर्ष 2024 में शरद पूर्णिमा दो दिन पड़ रही है किस दिन की पूर्णिमा में कोजागर व्रत किया जाएगा किस दिन की पूर्णिमा में स्नान दान किया जाएगा आइए सबसे पहले हम यह जान लेते हैं आश्विन मास शुक्ल पक्ष दिनांक 16 अक्टूबर 2024 को सायंकाल सात बजकर सैतालीस मिनट तक चतुर्दशी तिथि है इसके बाद पूर्णिमा का प्रारंभ हो रहा है सत्रह अक्टूबर को सायम पाँच बजकर तेईस मिनट तक पूर्णिमा तिथि है उसके बाद प्रतिपदा लग जा रही है जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं उन्हें पूर्णिमा तिथि की चंद्रमा का पूजन अर्घ दान आदि करना होता है तो जो पूर्णिमा रात्र व्यापनी हो उसी में पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए इस विचार के अनुसार 16 अक्टूबर को व्यापनी पूर्णिमा प्राप्त हो रही है इसलिए इसी दिन पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा कोजागर व्रत में भी अर्धरात्र व्यापनी पूर्णिमा उत्तम कही गई है कहीं कहीं प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा का भी ग्रहण करते हैं परंतु इस वर्ष दोनों दिन प्रदोष काल में पूर्णिमा नहीं है अर्धरात्र में 16 अक्टूबर को प्राप्त हो रही है इसलिए को जागर व्रत भी 16 अक्टूबर को ही किया जाएगा जो लोग पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान दान आदि करते हैं वह 17 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा का स्नान दान करेंगे 17 अक्टूबर को आश्विन मास का समापन होगा इसी दिन से कार्तिक महीने का दीपदान व्रत यम नियम कार्तिक स्नान आदि आरंभ होगा यह मुहूर्त हम काशी के पंचांग के अनुसार बतला रहे हैं अन्य स्थानों के पंचांगों के मुहूर्त में भिन्नता हो सकती है इसलिए अपने निकटतम विद्वान ब्राह्मण से सलाह अवश्य लेना उत्तम रहेगा शरद पूर्णिमा कोजागर पूर्णिमा की रात्र में भगवती महालक्ष्मी इंद्र कुबेर आदि की पूजा करनी चाहिए पूरी रात्र जागरण करना चाहिए खीर बनाकर छन्नी आदि से ढककर खुले आसमान के नीचे रखना चाहिए मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्र को चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है इस विशिष्ट रात्र को महारास की रात्र के रूप में भी जाना जाता है भगवती महालक्ष्मी का इंद्र और कुबेर सहित आसन पर आवाहन पूजन करना चाहिए भगवती महालक्ष्मी इंद्र कुबेर आदि का षोडशोपचार पूजन करना चाहिए रात्रि जागरण करना चाहिए पाशा आदि खेलना चाहिए कुछ स्थानों पर इस दिन पूजन के बाद मावे की छापेड़ों वाली कथा का श्रवण भी किया जाता है कथा और पूजा की विधि की वीडियो चैनल पर उपलब्ध है आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात्र को भगवती महालक्ष्मी विचरण करती हैं और यह देखती हैं कि कौन कौन जाग रहा है इसलिए इस व्रत का नाम कोजागरी भी है आशा है वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगी लाइक कमेंट के साथ अन्य लोगों को शेयर करना मत भूलिएगा प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार ज्योतिष वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ नमस्कार जय विश्वनाथ